राजधानी शिमला में मंगलवार को विश्वकर्मा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिमला के रुल्दू भट्टा में विश्वकर्मा मंदिर में औजार और मशीनरी की पूजा अर्चना की गई। रुल्दू भट्टा विश्वकर्मा सभा के प्रधान बनारसी सिंह ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। दिवाली की पहली रात को इन औजारों की साफ सफाई की जाती है, दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। वहीं शिमला में लगभग 108 प्राइवेट बसों के पहिए थमे हुए हैं। विश्वकर्मा डे पर पूजा के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने रूटों पर बसें नहीं भेजी हैं, इसीलिए यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस ऑपरेटर विश्वकर्मा दिवस पर बसों की पूजा करते हैं, इसीलिए लोगों को आज HRTC की बसों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सरकारी बसें भी दोपहर 2 बजे के बाद ही रूटों पर चली हैं। रूटों पर बस सेवा देरी से चलने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय रूटों पर बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बसें नहीं मिल पाई। दोपहर बाद यातायात सुचारू रूप से चल पाया। प्राइवेट बस ड्राइवर अतुल शर्मा ने कहा कि साल में विश्वकर्मा डे पर बसों की साफ सफाई और पूजा करते हैं, इसीलिए प्राइवेट बस ऑपरेटर बसें नहीं चला पा रहे। बहुत कम प्राइवेट बसें आज रूटों पर चल रही हैं। HRTC के बस ड्राइवर गोपाल शर्मा ने कहा कि आज बस पूजा करने के बाद ही काम शुरू किया गया है। पूजा की वजह से आज बसें रूटों पर देरी से चल रही हैं। प्राइवेट बसें कम चलने से HRTC बसों में ज्यादा भीड़ हो गई है। हालांकि सभी रूटों पर HRTC की बस सेवा अब चल रही है। HRTC के बस ड्राइवर गोपाल शर्मा ने कहा कि आज बस पूजा करने के बाद ही काम शुरू किया गया है। पूजा की वजह से आज बसें रूटों पर देरी से चल रही हैं। प्राइवेट बसें कम चलने से HRTC बसों में ज्यादा भीड़ हो गई है। हालांकि सभी रूटों पर HRTC की बसें अब चल रही हैं। मैं HRTC में चालक के पद पर तैनात हूं और आज विश्वकर्मा डे है। इसको हम सुबह गाड़ी को धोते हैं और उसके बाद इसकी पूजा करते हैं और गाड़ी को सजाते हैं, फिर हम इसको चलाते हैं। क्या महत्व रहता है सर इस पूजा का, कितनी ज़रूरी है? ये साल में एक बार विश्वकर्मा डे दिवाली के बाद आता है, जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और पूजा करते हैं गाड़ी की। जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं बनारसी सिंह प्रधान रुल्दू भट्टे शिमला। जी आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज हर साल की तरह दिवाली के दूसरे दिन जो है भाई दूज का दिन मनाया जाता है। इस दिन जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी दस्तकार मिस्त्री है, सब औजारों की पूजा कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हवन पूजा और जत्था कीर्तन वगैरह निहार किया जाता है, और उसके बाद जब सारा पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद लंगर सब जनता को बताया जाता है और खुशियां प्राप्त करके इतना जाते हैं। कितने साल हो गए आपको ये विश्वकर्मा डे मनाते हुए? मुझे कोई तकरीबन 20-22 साल हो गए, और इस दिन हम पूरी जे निर्माण भवन जो है नया हमने बनाया है, और पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, और इस निर्माण को पूरा करने के लिए हमने जनता ने पूरा योगदान दिया। उन भाइयों को मैं चाहे देश में चाहे विदेश में है, मैं उन सबको लख लख बधाई देता हूँ। इस दिन सबको मुबारकबाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।